नमस्कार प्रियंवदा फार्म्स की एक और एक्साइटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। मैं बोला था मिल्क रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा बिहार की पहली 40 लीटर की गाय। टैग नंबर देख लीजिए, टैग नंबर 15 है। ये कल जो है 36 किलो 700 ग्राम दूध की है और अभी अब हम लोग इसका मिल्क रिकॉर्ड करेंगे। और एक बार चंद्रा जी कल की ओर दिखा दीजिए, कल का बनावट इसका पूरा इधर पीछे से ये देखिए, यही गैप होता है। और ये बिहार से मेरी खरीदी हुई गाय है। और आइए चंद्रा जी इधर आइए, थोड़ा आवाज क्लियर आएगा। ये हम जनता बाजार से खरीदे थे गाय, छपरा से। ये एजाज हैं, एजाज जी के थ्रू हमको एक रमेश जी जानते थे, उन्हीं के थ्रू। और 67,000 में मात्र हम खरीदे थे, 67,000 में। 67,000 में जब लिए थे तो इस गाय को 21 लीटर दूह करके हम खरीदे थे। और उसके बाद पिछले ब्यात में जो हाईएस्ट दूध की ये गाय वो 26.5 लीटर था, 14 लीटर सुबह में और 12.5 लीटर शाम को। और इस बार ये पहला बार अपने यहाँ बच्चा दी है। जब हम लाए थे उस समय पहले ब्यात में थी। और अभी देखिए कि इसको हम लोग जो है जिस प्रकार से रेडी किए हैं कि ये गाय इस समय 36.5-37 लीटर पर पहुँच गई है। और आज हम लोग, आज संडे है, आज हम स्पेशली सुबह में इसीलिए आए हैं कि इसका जो है कितना दूध होता है वो हम लोग को जांचना है। और अब जो है हम मिल्क रिकॉर्ड करेंगे, इसको दो पार्ट में आपको दिखाएंगे। एक तो सुबह वाला अभी दिखाएंगे और फिर शाम का अलग से दिखाएंगे। ये सुनो ना रणधीर, लगा दीजिए दूध खाली करके, कैन दिखा करके। पीछे करो, कैन पूरा खाली दिखाओ। ये देखिए कैन खाली है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। लगा, ये जो कह रहे थे कुछ एक दो लोग जो हैं वो पंजाब वाले लोग कहते हैं क्या कि 10-20 साल में पता नहीं 100-200-400-500 साल कितना साल लग जाएगा हम लोग को बिहार में 60-70 लीटर की गाय। हम गारंटी लिखी देते हैं कि अभी 2022 है ना, 2023 के अंतिम में आप हमसे 50 लीटर यहाँ गरवा के देख लीजिए। हम 2023 एंड होते होते यहाँ इस फार्म पे ही 50 लीटर गाय को दूह सकते हैं। हम कहेंगे चंद्रा जी आप इधर ही गाय की तरफ फोकस करके रखिए कि कंफ्यूजन नहीं हो किसी को इस चीज़ का कि हम लोग जो है रिकॉर्ड गलत दिखा रहे हैं, या इस तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी के भी दिमाग में। और जो बेगूसराय वाली गाय हम 32 लीटर दूहे हैं, हम गारंटी करते हैं कि हम लोग अगर जिस तरीके का खान पान देते हैं अगले साल 45 लीटर से कम दूध पे नहीं उतरेगी। ये गाय 36 मतलब समझिए 11 लीटर एक्स्ट्रा दूध पे है अभी पिछले साल से। अब इससे ज़्यादा आप क्या किसी गाय से ये करते हैं। और अपने तीसरे सुए में ये गाय पहुंची है, थर्ड लेग पे, दूसरे में शायद। हाँ, जब हम लोग खरीद के लाए थे तब थी तो 6 दांत, लेकिन दूसरी बार बच्चा दी थी। और अभी तीसरी बार, अब तो दांत पूरा हो गया और अब तीसरी बार बच्चा दी है। और इसका जो है जो प्रिडिक्शन फार्म ट्री दिखा रहा है, फार्म ट्री दिखा रहा है कि 7,500 लीटर तक, 7,300 लीटर तक ये दूध करेगी। और अभी क्या है, ये 25 फरवरी को बच्चा दी थी, 25 फरवरी को ये गाय अपने यहाँ बच्चा दी थी। इसके ब्याने का भी फोटो दिए, इसे एबीएस स्पाइक का बच्चा लिया। आप सोचिए कि जब उसकी माँ 36 लीटर कर रही है और तो उसको 40 लीटर से तो हमको नहीं लगता है कि वो कम करेगी पहले ही ब्याह। तो ये है। और खाने का आप लोग बोलते हैं कि खाना क्या खिलाते हैं, तो देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, हरे चारा से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अभी ये तो हम लोग इस समय कंसंट्रेट देते हैं, लेकिन हरा चारा मेरा जो है एनी टाइम गाय के नाद में आप देखेंगे।
ये देखिए इतना छोटा छोटा हम लोग नेपियर करके दिए, देख रहे हैं इतना छोटा छोटा नेपियर। और ये गन्ने के रस की तरह इसमें मिठास होता है, ये देख रहे हैं। अब इसको पचाने में इसको टाइम नहीं लगेगा, ये अपना कमाल है। क्या पता है जो अपने पास वो वाला है मशीन, चाफ कटर है JF का, उसकी वजह से है। तो यही है, तब तक आप वीडियो देखिए पूरा, उसको बकेट को लेते रहना साथ में रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ गंदी सब में छिंचा गई दवाई है, दवाई छिंचा कर ना, अभी कुछ बाकी है पूरा, कीड़ा लग गई। हाँ तो छिंचा तो बाद दवाई कीड़े का। हाँ अब ये साल पहला बार के एक्सपीरियंस बा, अगला बार तो सब के दवाई एक बराबर कर देंगे। बहुत पचास किलो डेली हरा चारा, 40 किलो चाहिए दूध वगैरह लेवे के होता है। चलो जीरो करते हैं। इसमें दिखा तो कितना दूध है, बोल बोल बोल। चलो चलो देख लीजिए कितना है, 18 किलो 920 ग्राम टोटल। ठीक है करने और है क्या, मतलब 70-80 ग्राम निकाली तो 19 किलो पूरा ही तो बेटा है। बीस ग्राम और बचा है रणधीर 19 किलो करने में।
तो चलो इधर इधर आ। तो यही था 19 किलो के करीब इस समय दूध की है। फिर एक बार 5:30 में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे शाम में। ये जो अभी हम लोग मिल्किंग किए हैं उसका टाइमिंग 5:41 हो रहा है, मतलब 5:25-26 से हम लोग शुरू किए होंगे। शाम को भी यही 5:20 के करीब हम लोग मिल्किंग करेंगे, देखते हैं कितना होता है। हम लोग एक तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40 कर देगी, लेकिन 19 की है, अगर शाम को 21 करेगी तभी 40 हो पाएगा। तो अब देखते हैं शाम का कैसे होता है। धन्यवाद।